नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक हिंदी ग्रामर के अंतर्गत वाक्य होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग वाक्य और वाक्य का प्रकार यानी कि वाक्यों का वर्गीकरण देखेंगे कि हम जानेंगे वाक्य क्या होता है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत देखेंगे, हिंदी में देखेंगे वाक्य क्या होता है और वाक्यों के प्रकार क्या होते हैं, अर्थात इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चीज इसमें हम लेते हैं, सबसे पहले तो हमें जान लेना इसमें यह जरूरी है कि वाक्य होता क्या है। तो शब्दों का ऐसा समूह जो क्रिया की उपस्थिति में पूर्ण अर्थ प्रदान करता है वाक्य कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह जिसमें क्रिया हो और वह एक संपूर्ण अर्थ दे रहा हो वह क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। जैसे राम घर जाता है या सीता एक समझदार महिला है, ठीक है। तो इसमें जो है वर्ब भी है और यह संपूर्ण अर्थ भी दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वाक्यों का वर्गीकरण, अर्थात वाक्यों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। वैसे तो वाक्यों का विभाजन कई प्रकार से किया जाता है, किंतु यहाँ हम जो देखने जा रहे हैं यह प्रमुख विभाजन है वाक्य का, इसको देखेंगे। इसमें वाक्यों का वर्गीकरण 8 प्रकार से किया गया, अर्थात वाक्य के 8 काइंड माने गए हैं, टोटल 8 प्रकार माने गए हैं, जिसमें नंबर 1 निश्चयात्मक वाक्य, नंबर 2 निषेधात्मक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य एंड नंबर 4 इच्छावाचक वाक्य, पांचवा है संदेहवाचक वाक्य, छठा है आदेशवाचक वाक्य, सातवा है विस्मयाधिबोधक वाक्य और आठवा है संकेतवाचक वाक्य। इसमें ये 8ों हमारे वाक्यों के प्रकार है। और अब हम यहाँ एक एक वाक्य की डिफिनीशन अर्थात परिभाषा देखते हुए उसका एक एक उदाहरण देखते और समझते हुए चलेंगे। तो पहला वाक्य हमारा है निश्चयात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जो सकारात्मक बात करते हुए किसी तथ्य की घोषणा करते हैं, अर्थात इसमें सकारात्मक बात होगी और कोई चीज डिक्लेयर की जाएगी, तो इसकी डिफिनीशन होगी निश्चयात्मक वाक्य की कि ऐसे वाक्य जो सकारात्मक बात करते हुए किसी तथ्य की घोषणा करते हैं निश्चयात्मक वाक्य कहलाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये रही इसकी डिफिनीशन। एग्जांपल, जैसे नभ एक समझदार व्यक्ति है, तो नभ एक समझदार व्यक्ति है, अर्थात यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि नभ एक समझदार व्यक्ति है। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य क्या होता है, ऐसे वाक्य जो किसी नकारात्मक बात की घोषणा करते हैं निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे नभ एक अच्छा आदमी नहीं, तो यहाँ पे नभ यहाँ भी डिक्लेयर कर रहा है, बट क्या डिक्लेयर कर रहा है, निगेटिव डिक्लेयर कर रहा है, अर्थात नकारात्मक में डिक्लेयर कर रहा है नभ एक अच्छा आदमी नहीं है। अगली चीज हमारी होगी, अगला प्रकार जो होगा वो होगा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, ऐसे वाक्य जो प्रश्न करते प्रतीत होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या श्याम आज आएगा, अर्थात यहाँ पे हमने देखा कि प्रश्न पूछ रहा है कि क्या श्याम आज आने वाला है, तो ये हुआ हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। अगला जो प्रकार है हमारा उसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है, अभी हम देखेंगे। ऐसे वाक्य जिसमें वक्ता अंतर मन की इच्छा को व्यक्त करता है, अर्थात जो व्यक्ति है कहने वाला व्यक्ति है वाक्य का, वाक्य को जो व्यक्ति कहेगा उसके अंतर मन में, उसके मन में क्या चल रहा है वो बात कहेगा, ठीक है। जैसे भगवान आपकी इच्छा की पूर्ति करे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये व्यक्ति जो है अपने मन की बात कहा कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो ये क्या है, ये अपने मन की इच्छा व्यक्त कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला जो वाक्य का प्रकार है वो है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होंगे, ऐसे वाक्य जिसमें संदेह की प्रवृत्ति विद्यमान हो, ऐसे वाक्य जिसमें संदेह प्रतीत होता हो वो क्या कहलाएंगे, संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे शायद कल गुरुजी नया पाठ पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे संदेह है कि गुरुजी नया पाठ पढ़ा सकते हैं, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं शायद गुरुजी कल बच्चों को पीटेंगे, तो यहाँ पे भी बच्चे क्या है, जो कहने वाला है संदेह व्यक्त कर रहा है गुरुजी कल बच्चों की पिटाई करेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा आता है इसके बाद आदेशवाचक वाक्य। आदेशवाचक वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें वक्ता किसी व्यक्ति को आदेश देता है, जैसे एक गिलास पानी लाओ, ठीक है, अपनी किताब दो, बाहर जाओ, ठीक है, बैठो उठो, तो ये सारे क्या है, आदेशवाचक वाक्य। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट आता है हमारा
कि विस्मयाधिबोधक वाक्य। विस्मयाधिबोधक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिसे वक्ता द्वारा उसके मन में हुए आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए बोला जाए या प्रयोग किया जाए, वह वाक्य क्या कहलाएंगे? विस्मयाधिबोधक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अरे वाह कितना सुंदर उद्यान है। मतलब वो क्या किया, उसे उद्यान को देखकर, जो वक्ता है उसे उद्यान को देखकर क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। तो उसके मन से जो आश्चर्य प्रकट हुआ वो इस सेंटेंस के माध्यम से प्रकट हुआ, अरे वाह कितना सुंदर उद्यान है। उसके बाद अगला प्रकार जो आता है उसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें किसी बात की ओर संकेत किया जाए या कोई शर्त रखी जाए, ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे इसमें क्या होगा कि व्यक्ति संकेत करेगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे यदि तुम घर आओगे तो तुम्हें नई पुस्तकें मिलेंगी। यहाँ पे जो वक्ता है वो क्या संकेत कर रहा है कि अगर तुम घर आए तो तुम्हें नई पुस्तकें मिलेगी, अर्थात नई पुस्तकें मिलने का संकेत यहाँ पे वक्ता द्वारा किया जा रहा है। तो ये रहा वाक्य और इसका वर्गीकरण। हमने एक प्रकार से देखा है, अगर आपको विस्तृत वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम वाक्य पर डिटेल्ड एनालिसिस कर लेंगे और सारी चीजें वहां पे समझ लेंगे। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल रहता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले किसी ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।